नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के विभिन्न पहलुओं पर। प्रस्तुतिकरण आपकी अपनी प्यारी स्वाति जैन का है। इस कहानी को मैंने चार भागों में विभक्त किया है। कहानी का सारांश, कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और पात्रों का चरित्र चित्रण। तो आइए हम आपको ले चलते हैं कहानी के सार की तरफ। एक नगर में एक सेठ रहते थे। वे बहुत विनम्र, उदार और दानी इतने कि दीन दुखियों को अपना धन बांटते रहते थे। परंतु किस्मत ने पलटी खाई और वे इतने निर्धन हो गए कि खाने के लाले पड़ने लगे। उन दिनों यज्ञ बेचने की प्रथा प्रचलित थी, तो सेठ जी ने अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ बेचने का निर्णय लिया और कुंदनपुर के धन्ना सेठ के पास जाने का निश्चय किया। सेठानी जी ने रास्ते के लिए चार रोटियां बना के रख दी। सेठ जी बड़े तड़के निकले। चलते चलते थक जाने के बाद सेठ जी एक कुंज में, जिसमें एक कुआ और पेड़ों की छांव थी, वहीं आराम करने के लिए बैठ गए। अब उन्हें भूख सताने लगी। खाने के लिए बैठे तो देखा कि एक कुत्ता भूख से छटपटा रहा है। उन्होंने उसे अपनी चारों रोटियां खिला दी और स्वयं भूखे रहकर भी संतुष्टि प्राप्त की। शाम को सेठ जी जब धन्ना सेठ के घर पहुंचे, सेठानी जी ने समझाया कि रास्ते में कुत्ते को सारी रोटियां खिलाकर जो महायज्ञ किया है वह सिर्फ वही खरीदेंगी। परंतु सेठ जी को इस कर्तव्य का मूल लेना उचित न लगा और वे खाली हाथ ही घर लौट आए। पहले तो सेठानी जी घबराई, फिर सारा वृत्तांत सुनकर अपने पति पर उन्होंने गर्व महसूस किया। सांझ ढले जब सेठानी जी दिया जलाने बाहर आई तो दहलीज का पत्थर उठा हुआ था, जिससे उन्होंने ठोकर खाई थी। देखा तो वह तहखाने का रास्ता है। सीढ़ियों के माध्यम से जब सेठ और सेठानी नीचे उतरे तो तहखाना हीरे जवाहरातों से जगमगा रहा था। देव की इस माया का वे रहस्य जान पाते कि उन्होंने दिव्य वाणी सुनी और वह सुनकर कृत कृत हो गए। यह कुत्ते को रोटियां खिलाकर किए गए महायज्ञ का पुरस्कार था। उन्होंने धरती पर अपना माथा टेक कर ईश्वर के चरणों में प्रणाम किया। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं अगले पहलू की तरफ, कहानी का उद्देश्य। नर सेवा ही नारायण सेवा है। निस्वार्थ भाव और सच्ची कर्तव्य निष्ठा से किया गया कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे कर्मों का हमें फल अवश्य मिलता है। जीव मात्र के प्रति दया के भाव, परोपकार की भावना मनुष्य का कर्तव्य है। इसी से व्यक्ति महान बनता है। इस कहानी में सेठ जी ने भूखे कुत्ते को रोटियां खिलाना ही अपना परम कर्तव्य समझा। इसमें ना तो कोई दिखावा था, ना स्वार्थ, ना ही कोई अपेक्षा, और इस कर्तव्य का मूल लेना तो वे पाप समझते थे। अतः महायज्ञ वह नहीं जो सिर्फ इंसान दिखावे के तौर पर हवन, पूजा, पाठ आदि करता है। वस्तुतः महायज्ञ वह होता है जो दुखियों के दुख दूर करे, जो भूखों को भोजन कराए बिना किसी स्वार्थ की भावना से। कहानीकार वास्तव में ये सारे गुण हम मानव में देखना चाहते हैं, जिसकी आजकल बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, शीर्षक की सार्थक। इस कहानी में महायज्ञ का असली अर्थ समझाना ही लेखक का उद्देश्य है। परोपकार, निस्वार्थ त्याग व दया, यही गुण महान है। ऐसे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, अवश्य कभी न कभी इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। सेठ जी की दया भावना ने उन्हें भूखे कुत्ते को रोटियां खिलाने को प्रेरित किया और उन्होंने इस कर्तव्य का मूल लेना उचित न समझा। संपूर्ण कहानी इसी सत्कर्म की चर्चा करती जान पड़ती है। कहानी के अंत में अच्छे कर्म का फल भी उत्तम मिलता है। अतः शीर्षक महायज्ञ का पुरस्कार पूर्णतः सार्थक और उचित है। इससे उपयुक्त शीर्षक अन्य नहीं हो सकता। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं अंतिम पढ़ाव की तरफ, पाठ में आए पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में। इस पाठ में मुख्य रूप से सेठ, सेठानी जी और धन्ना सेठ और उनकी पत्नी आई हुई है। सबसे पहले हम जानते हैं सेठ जी के बारे में। धनी सेठ अत्यंत विनम्र, उदार, धर्मपरायण, दानी इतने कि उनके द्वार पर कोई आता तो खाली हाथ ना जाता। वे कर्तव्य को अधिक महत्व देते थे। निर्धनता आने पर भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। दयालु इतने कि स्वयं भूखे रहकर अपनी सारी रोटियां कुत्ते को खिला दी। उनमें निस्वार्थ भावना कूट कूट कर भरी थी। दया या दान
स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपना कर्तव्य समझकर करते थे और उसका मूल्य लेना उचित नहीं समझते। सेठानी जी, सेठ जी की पत्नी अत्यंत बुद्धिमती स्त्री है। वह पति की परेशानी में उसका साथ देती है। वे धैर्य व सहनशील होते हुए भी विपत्ति से घबराकर अपने पति को यज्ञ बेचने की सलाह देती हैं। उनके हृदय में पति के प्रति सम्मान एवं आदर भाव है। पति ने विपत्ति में भी धर्म नहीं छोड़ा, यह ज्ञात होते ही अपने पति पर गर्व महसूस करती हैं। सेठानी जी आस्थावान, धर्मपरायण एवं कर्तव्य निष्ठा से युक्त जीवन जीने वाली स्त्री हैं। धन्ना सेठ की पत्नी कुंदनपुर नगर के सेठ की पत्नी है। वे अत्यंत विदुषी हैं। उनके बारे में यह अफवाह थी कि उन्हें कोई देवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। इसी शक्ति के बल पर उन्हें सेठ जी के त्याग की महिमा का ज्ञान होता है। उनके अनुसार यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटा कर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ है। धन्यवाद मित्रों। तो अगर आपको मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।